मीडिया के तमाम दोस्तों को मैं वेलकम करता हूं कि आज आप बड़ी तादाद में तशरीफ़ लाए और इस आगही मुहिम को कामयाब बनाया। जनाब मुहिब साहब ने और जनाब रज़ा साहब ने माशाल्लाह इस पूरे उसके ऊपर बहुत सी हासिल रोशनी डाली और रज़ा भाई ने पिछली दफ़ा जो बातें जज्बाती अंदाज में कही थी आज बड़े ही मीठे अंदाज में वो सारी बातें एक दफ़ा फिर कहीं और उनमें से कई बातें जो हैं वो सही भी हैं उनकी। इससे पहले कि मैं इन बातों को एड्रेस करूं जो उन्होंने कंसर्न्स शो किए हैं उसका जवाब दूं, मैं ओवरऑल आपके सामने एक सिचुएशन जो इस वक्त गैस की पोजीशन है मुल्क में पहले मैं उसको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। नेचुरल गैस हमारे पास जो ज़खायर हैं वो इस वक्त सबसे ज़्यादा तकरीबन 70% सिंध से हासिल होते हैं, कोई 15% के ज़खायर हमारे पास जो हैं वो बलूचिस्तान से आते हैं और इसी तरह बाकी जगहों से भी आते हैं, लेकिन इन ज़खायर के अंदर बहुत कमी वाक़ हो रही है और नए ज़खीरे हमारे पास जो हैं वो इस वक्त दस्तयाब नहीं हो रहे, जिसकी वजह से हमारी जो डिमांड और सप्लाई का गैप है वो बढ़ता जा रहा है और उसका इम्पैक्ट जहाँ पूरे मुल्क को महसूस हो रहा है वो यहाँ बलूचिस्तान में भी स्पेशली क्वेटा के अंदर भी महसूस हो रहा है। और यही रीज़न है क्योंकि यहाँ पे सर्द मौसम थोड़ा सा बहुत सख्त है तो लोगों को उस कमी का जो इम्पैक्ट है वो ज़्यादा फील होता है। इस वक्त अक्टूबर में भी हमारे पास जो डिमांड है उससे 200 मिलियन गैस कम आ रही है। इस वक्त हम इस डिमांड को इम्पोर्टेड गैस जो RLNG की सूरत में आ रही है उससे पूरा कर रहे हैं, लेकिन ये जैसे जैसे मौसम सर्द होता जाएगा ये गैप बढ़ता जाएगा और नेचुरली उसी हिसाब से ये लोगों को फिर फील भी होना शुरू होगा। हमने जो हमारे टेक्निकल कंस्ट्रेंट्स थे कि हमारे पास पाइपलाइंस का वो हजम मौजूद नहीं था, क्वेटा की आबादी बेताशा बड़ी थी, उस आबादी को जहां हमें 200-400 घरों को गैस देनी पड़ती थी वहां अब 2-4 हज़ार घरों को गैस देनी पड़ती है, तो वो लाइनें हमारी अंडर साइज थी। हमने पहले अपनी सप्लाई को बहाल किया, तकरीबन 160 मिलियन गैस हम देने की पोजीशन में होते थे जो अब हमने बढ़ा के 210 मिलियन गैस देने की कैपेसिटी कर ली है। उसके साथ साथ हमने शहर में एक हमारा जो मेजर प्रोजेक्ट हमने कंसीव किया था वो 16 इंच की लाइन हमने सरियाब रोड पे टुवर्ड्स कस्टम की तरफ डाली है, जिससे अगर हम यहाँ से जाएं तो लेफ़्ट साइड पे सरियाब मिल का जितना भी एरिया है अब वो काफ़ी बेहतर तरीके से वहाँ पे गैस मुहैया हो रही है। लेकिन उसका फ़ायदा एक जैसे अभी आपको रज़ा भाई ने बताया कि जाली CNG स्टेशन घर से चल रही थी, सबसे ज़्यादा वो उठा रहा था जिसको अभी हमने अप्रीहेंड किया है और इंशाल्लाह इस तरह दूसरे लोग भी जो चोरी में मुलविस हैं जो इंडस्ट्रियल लेवल पे चोरी करके डोमेस्टिक हमारे कस्टमर्स की हक तलफी कर रहे हैं उनके ख़िलाफ़ भी हमारी कार्रवाई बहुत बड़ी पैमाने पे शुरू हो गई है और होती रहेगी। इस साल हम 16 इंच कतर की दूसरी लाइन डालेंगे जो पूरे शहर के अंदर से जाएगी, जो हमारे ताज कॉम्प्लेक्स से शुरू होगी जहाँ तक हमारी 16 इंच की लाइन आ रही है और ये सरकी रोड से होती हुई मकंगी रोड से होती हुई पूरे सिटी के अंदर से आके फिर ये सरीना के सामने से जाके वापस ये सेटेलाइट टाउन तक जाएगी। ये तकरीबन 13 किलोमीटर की लाइन है जो मेन हमारा 16 इंच का हेडर होगा और ये हमारा प्रोजेक्ट इस साल टेंडर अभी हमारा पाइप का हो गया है, बाकी भी सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी हैं, इस अप्रैल में जब हमारे पास पाइप की डिलीवरी शुरू होगी तो ये प्रोजेक्ट हमारा डलना शुरू होगा और तकरीबन 3 से 4 महीने के अंदर कम्प्लीट होगा। तो शहर के अंदर जो ये हमारे पास कंस्ट्रेंट्स आते हैं कि जी लो प्रेशर हो गया इस गली में है उसमें नहीं है, ये काफ़ी हद तक इससे एड्रेस हो जाएंगे। इसके साथ साथ जो मस्तूम कलात को गैस जाती थी वो भी क्वेटा से जा रही थी उसको भी इसी साल अप्रैल में हम शुरू करेंगे और ये मस्तूम कलात की सप्लाई जो है वो क्वेटा सिटी से हट के डायरेक्ट हमारे ट्रांसमिशन से शुरू होगी, तो उससे भी जो गैस के बर्डन आपके क्वेटा सिटी से जाना होता है उसके ऊपर कमी आएगी। इस 16 इंच लाइन के साथ तकरीबन हमारे 23 से 24 किलोमीटर की 8 इंच की लाइन भी हम डाल रहे हैं जो कि फिर फर्दर जो गली मोहल्लों तक जाएगी और जाके उनकी एग्जिस्टिंग लाइंस के साथ मिलेगी ताकि हमारे पास
फिर ये लो प्रेशर्स की कंप्लेंट जो आइसोलेटेड पॉकेट्स में इस वक्त आ रही हैं वो बाद में ना आए। सबसे बड़ा जो हमारा मुतासर एरिया है वो यहाँ पे नवाकिली का एरिया है। नवाकिली की तरफ बेताशा डेवलपमेंट हो रही है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स वहाँ आ रहे हैं, नस्ट वहाँ पे आ रही है, जरगून हाउसिंग स्कीम वहाँ पे है, छोटी छोटी बहुत बेशुमार हाउसिंग है, एफसी वाले हैं, और ये हमारा बिल्कुल एंड है, जो हमारा नेटवर्क है उसकी एंड की तरफ ये है। यहाँ पर भी हमने एक 12 इंच की लाइन डिज़ाइन की है जो तकरीबन 16 किलोमीटर की ये लाइन होगी, जो आपके एयरपोर्ट रोड से शुरू होके और आखिर जरगून और नस्त तक जाएगी। ये 12 इंच की लाइन भी हमारी जो है इंशाल्लाह दो अगले साल की यानी जुलाई के बाद हमारी ये डालने की हम पोजीशन में होंगे, तो ये प्रोजेक्ट भी हमारा जो है इस एरिया को भी एनर्जाइज करेगा। जो गैस की ओवरऑल मैंने आपको कमी की सिचुएशन बताई वो अपनी जगह पे, लेकिन ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हमारी काफ़ी हद तक कम्प्लीट होगी। दूसरा हमारे साथ जो मेजर इशू कोयटा में है वो है थेफ्ट का जी। थेफ्ट हमारी जहाँ पे ये कॉटेज इंडस्ट्रीज और इस तरह की सीएनजीज ये भी कर रही हैं और जिनको हम पकड़ भी रहे हैं, लेकिन एक बड़ी तादाद डोमेस्टिक कस्टमर्स की, अब उसका रीज़न जो भी हो, अफोर्डेबिलिटी ना होना हो, सर्दियों में ज़्यादा यूजेज हो, या आप जो भी कह लें कि जी महरूम तबका है, वॉट एवर, लेकिन जब ये गैस मीटर के को टेम्पर करके चोरी की जाती है तो फिर घर के अंदर उसका इस्तेमाल जुडिशियस नहीं रहता। फिर आपके घर में चार कमरे हैं तो चारों में हीटर जल रहे हैं, और हीटर भी यहाँ पे जिस तरह के हैं कि आप एक बड़ा बर्नर लगा देते हैं, वही हीटर है, वही गीज़र है, वही आपका जो है खाने पकाने के लिए चूल्हा भी है। तो इस तरह जब यूजेज होगा तो फिर हमारे लिए मुमकिन नहीं, हमारे लिए क्या किसी के लिए भी ह्यूमनली मुमकिन नहीं है कि आपका बेजरी इस्तेमाल हो रहा हो एक नेचुरल रिसोर्स का, जिसका बिल देने की आपको कोई वो ही नहीं है कि तरद्दुदी नहीं है, क्योंकि मीटर आपका टेम्पर्ड है, तो उस यूजेज को कंट्रोल कोई कंपनी नहीं कर सकती। ये जो मीटर हम सर चेंज करते हैं रजा भाई, ये मीटर हम तकरीबन 200-250 मीटर रोज़ाना चेंज करते हैं, तो अगर हम एक एक दरवाज़ा खटखटा के और वहाँ बताने जाएं तो जैसे हमारा यहाँ पे कल्चर है, फिर रोज़ाना हमारे लोगों की सिर्फ सर फटोली होती रहेगी, बाकी ये मीटर चेंज करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा। मीटर कंपनी की प्रॉपर्टी होती है, जब हमें उसकी रीडिंग का प्रॉब्लम आता है, जब हमारे पास मंथली रीडिंग आती है, हमारे पास लिस्ट बन जाती है कि भाई इतने मीटर जो हैं आपके शहर में रीडिंग ही रिकॉर्ड नहीं कर रहे या एरिया एवरेज से बहुत कम कर रहे हैं। मैं छोटा सा आपके साथ शेयर कर लूं कि 2 लाख मीटर क्वेटा सिटी के अंदर मेरे इस वक्त इस्तेमाल में है, उनमें से 1,60,000 की रीडिंग जो मुझे मिल रही है वो निल या मिनिमम मिल रही है, बाकी 40,000 मीटर हैं जो बेचारे बिल भी दे रहे हैं और उनको गैस भी बड़ी मुश्किल से मिल रही है। बाकी ये जब टेम्पर्ड मीटर को भी जब हम लेकर आते हैं सर, तो उसको हम अपनी लैब में चेक करते हैं, और लैब के अंदर आप भले जिस वक्त भी आना चाहें, मैं आपको सरप्राइज विजिट कर लें, मैं आपको उस वक्त अपनी लैब दिखा दूंगा। ऑन एन एवरेज हमारे पास 65-70% मीटर्स जो हैं वो टेम्पर्ड निकलते हैं, और ये एक्सटर्नल जैसे आपने बात की कि ट्रैक्टर का चोट लग जाता है, कोई गाड़ी वाला मार जाता है, वो मीटर के ऊपर एक्सटर्नल चोट होती है, ये इंटरनल मैं आपको दिखाऊंगा कि उसके मेजरिंग यूनिट के अंदर हॉट रॉड के साथ सुराख किया गया है, जो किसी गाड़ी किसी ट्रैक्टर की टक्कर से नहीं हो सकता, या उसके काउंटर को अंदर से जो उसकी गराड़ियाँ होती हैं उसको काट दिया जाता है, यानी 5 गराड़ियाँ हैं तो 3 काट दो कि 2 गराड़ियों पर जहाँ 10 यूनिट गिरने थे वहाँ 1 यूनिट गिरेगा। तो बड़ा टेक्निकल काम है ये, और सिर्फ उन्हीं मीटर्स को एक्सटर्नल डैमेज पे हम नहीं जाते सर, जिनके अंदर इंटरनली मैन मेड ये टेम्परिंग होती है उनको हम कोई सूद नहीं, कोई ज़ियान नहीं, सिर्फ 1 साल तक पीछे, भले उनका मीटर उसकी रीडिंग हिस्ट्री बताती है कि मैं 3 साल से मीटर ख़राब हूँ, मैं रीड ही नहीं कर रहा, लेकिन लॉ ऑफ लिमिटेशन के तहत हम उसको सिर्फ 1 साल का उस गैस का बिल भेजते हैं, वो भी डाइवर्सिफाइड, हमारे हिसाब से 3,600 एक साल का यूनिट होने चाहिए मिनिमम, हम उसको उसके बावजूद 2,400 यूनिट का बिल भेजते हैं, उसमें कोई सूद नहीं होता, कोई ज़्यादा नहीं होता, अगर वो एक साथ पे कर दे, अगर वो किस्तें कराना चाहे तो नेचुरली फिर उसके ऊपर जो सरचार्ज होता है
वो ज़रूर होता है, लेकिन वो जब एक फैसिलिटी अवेल कर रहा है कि वो हमें एक साथ बिल नहीं दे रहा और किस्तों में दे रहा है, तो ये हमारे हिसाब से एक हक बनता है। फिर पिछले 2-2.5 सालों से कंप्रेसर्स का बहुत बड़ा इशू है। ये जो आप लोगों ने अभी बात की कि जगह जगह शहर में बू फैल रही है और ये जगह जगह जो है लीकेजेस हैं, सर इसमें दो इश्यूज हैं। लीकेजेस में हमारे पास पूरे शहर का सर्वे पड़ा है, ऑन एन एवरेज 1 किलोमीटर में हमें 1.1 लीक मिलता है। जब हमने ये एक टेस्ट केस था सर, 2 दफ़ा हमने ये करके देखा, हो क्या रहा है, कंप्रेसर्स पिछले साल बेतहाशा हादसे हुए, फटना शुरू हुए घरों में और लोगों की जाने गई। अब लोगों ने बड़ा बेहतरीन सिस्टम निकाल लिए, कंप्रेसर के साथ एक पाइप लगाओ, उसको छत से ऊपर डाल दो, तो जब कंप्रेसर के अंदर वो गैस कंप्रेस होके यूज़ नहीं हो रही तो उस पाइप से हवा में उड़ती रहे, कंप्रेसर फटे नहीं। बड़ा बेहतरीन साइंटिफिक इन्होंने तरीका रख लिया है। तो हमने क्या किया कि हमने थोड़ा सा अपना ऑडरेंट ऑयल जो नॉर्मल तरीके से हम डालते थे उसकी थोड़ी सी मिकदार बढ़ाई, तो वो जो स्टैक्स लगे हुए हैं घरों के ऊपर उनसे गैस जब निकलना शुरू हुई तो पूरे शहर के ऊपर बू फैली और फिर लोगों को वो ये भी हमारे ही गले में आया कि हमारे शायद लाइनें लीकेज हैं, लीकेजेस नहीं है, ये पाइप स्टैक्स जो लगाए हुए हैं कंप्रेसर से उनसे ये लीकेज है। इसी तरह मीटरों से, आज अदालत में भी यही बात हुई कि जी मीटरों से भी आपकी गैस लीक है। जी सर बिल्कुल लीक है, मैं सुबह नया मीटर अपने पूरे प्रोटोकॉल के साथ वॉशरों के साथ लगाता हूँ, शाम को जब जाता हूँ तो वो मीटर टेंपर हो चुका होता है और वो जो वॉशर हैं वो सारे गिर चुके होते हैं, तो उसके भी जोड़ों से गैस निकल रही होती है, वो लीकेज है। अब इसमें अब आप ये कहें कि जी वो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, सर ये बड़ा दिलचस्प वाकया है, मैं आपको सुनाता हूँ। एक साहब के 3 मीटर टेम्पर्ड निकले 2 सालों में। एक जब वो आए मेरे पास के किस्त करने, मैंने बिठाया, मैंने कहा यार हर दफ़ा हम तुम्हें पकड़ते हैं, क्यों ऐसे करते हो? तो उसने मुझे बड़ा दिलचस्प जवाब दिया। उसने कहा कि साहब अगर मैं मीटर टेम्पर करता हूँ तो आप मुझे साल का 40,000 रुपये का बिल देते हो, और अगर मैं मीटर छोड़ता हूँ तो मेरा महीने का 50,000 बिल आता है, तो माइट एज वेल आप मुझे जब पकड़ें तब मुझे 40,000 का भेज दिया करें, मैं भर दूंगा, ठीक है। तो मैं वो अर्ज कर रहा हूँ कि ये कंटिन्यूस वॉर है सर, कि हम टेम्परिंग पकड़ रहे हैं, हम उनको चार्ज कर रहे हैं, वो एक्सेप्ट भी करते हैं कि भाई हम अगर छोड़ेंगे तो इतना बिल आएगा, हम क्यों छोड़ें, हम तो बस टेम्पर करते हैं, जब तुम पकड़ो तब अपने बिल भेज देना। मेरी सर ये स्मेल भी आपकी बात हो गई, रिजेक्टेड मीटर्स के ऊपर मैं बहुत दफ़ा बता चुका हूँ सर कि पूरे मुल्क में सिवाय सुई सदरन के कोई कंपनी मीटर नहीं बनाती, सिर्फ हम डोमेस्टिक मीटर बनाते हैं। वो आप चाहे मरी की पहाड़ी पे चले जाएं, खैबर पख्तूनख्वा में चले जाएं, पंजाब के किसी छोटे गांव में चले जाएं, मीटर आपको एक ही मिलेगा। ये कोई सीन नहीं है कि रिजेक्टेड मीटर यहाँ पर है या ये है कोई तेज़ मीटर है, ये मैकेनिकल मीटर है, इसमें से गैस गुजरेगी, कोई इलेक्ट्रॉनिक पार्ट इसके अंदर नहीं है, गैस गुजरेगी तो चलेगा, नहीं गुजरेगी नहीं चलेगा, आप बलाशक आजमा के देख लें। अगर आपके चूल्हे बंद हैं और फिर भी मीटर चल रहा है तो आप अपना लीकेज चेक करें, घर में ज़रूर कहीं ना कहीं लीकेज होगा। दूसरी चीज़ रजा भाई, फिक्स्ड बिलिंग के ऊपर आपने कहा कि बलूचिस्तान असेंबली करारदाद पास करें, बलूचिस्तान असेंबली के साथ हमने बहुत टाइम लगाया, उनको समझाया और उन्होंने बेहतरीन करारदाद हमारी रिकमेंडेशन पे पास भी की, उसको भी हमने आगे भी ले गए, अनफॉर्चुनेटली वो अभी तक मटेरियलाइज नहीं हुआ। उसमें हमने यही कोटा फिक्स किया है कि एक आम कस्टमर 3,600 CM सारे साल में इस्तेमाल करता है, सर्दी में क्योंकि वो 600 CM इस्तेमाल करता है 4-5 महीने हर महीने के हिसाब से, तो वो 600 में उसका बिल जो है वो 60-70 हज़ार से ऊपर चला जाता है महीने का, तो वो हमने उससे कहा कि आप 3600 का कोटा ले लो, साल में जिस तरह भी इस्तेमाल कर लो, 3600 से बढ़े तो फिर वो एक्चुअल रेट पे होगा, 3600 तक रहे तो 3,500 का मंथली बिल देते रहे, होता रहेगा। लेकिन आप भी जानते हैं कि ये सुई सदरन का इख्तियार नहीं है, ये रेट फिक्सिंग जो है ये ओगरा की तरफ से आती है, मिनिस्ट्री की रिकमेंडेशन पे आती है, तो हम ट्राई कर रहे हैं क्योंकि देखें एंड जो नुकसान है वो कंपनी का है,
जब हम टेम्परिंग कंट्रोल नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ द सोशो इकोनॉमिक कंडीशन, गैस बंद नहीं कर सकते क्योंकि ये गवर्नमेंट का सोशो इकोनॉमिक प्रोग्राम है जो हम स्विस सदरन गैस कंपनी चला रही है, तो ये इसका कोई अल्टरनेट होना चाहिए जिसके ऊपर काफ़ी काम हो भी चुका है और हो रहा है। और फाइनली रजा भाई, हर साल ये 2017 से हमने, मैं यहाँ पे हूँ, आप यहाँ जब होते हैं तो माशाल्लाह ये डिमांड करते हैं कि मीटर नहीं लगा, डोमेस्टिक लगा, लेकिन इसके बाद ना हम आपको पूछते हैं ना आप भी हमसे पूछते हैं। तो आज मेरी आपसे गुजारिश है कि हम कल परसों आप या मुझे बुला लें अपने पास या मेरे पास तशरीफ़ ले आएँ और कप ऑफ टी, तो हम बैठ के जो जो आपका ये इशू है ना इसको रिजॉल्व कर लेंगे। सर मेरी गुजारिश, या मुझे बुला लें या मेरे पास आ जाए, ठीक है। मैं एक दफ़ा फिर अपने तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करूँगा जो आज आए और आज आपने हमारे साथ दिया।